नमस्कार, मैं समर चौधरी, सीईओ सीएलसी सीकर, और मेरे साथ है सुनील सर। आज हम उन पेरेंट्स से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों का अभी तक टेक्नो 24 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि 5 नवंबर को सीएलसी टेक्नो एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है, जो कि 7 स्टेट में कंडक्ट कराया जाएगा। तो सुनील सर, आप उन पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने अपने बच्चों को अभी तक टेक्नो 24 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है? क्योंकि आपको पता है कि 30th October इस एग्जाम की लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो समर सर, पहले मैं इस एग्जाम को थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कैमरे के सामने जो भी अपना वीडियो देख रहे हैं वो हमारे नए व्यूअर भी हों। बिल्कुल सर। तो टेक्नो एक्चुअल में है क्या? टैलेंट एक्सप्लोरिंग सीएलसी नेशनल ओलंपियाड, जिसे सीएलसी पिछले 29 साल से एक नए मोड में अभी अपडेट करके लाया है। पहले ये कंडक्ट करवाया जाता था डीटीएससी के नाम से, डिस्ट्रिक्ट टैलेंट लेवल सर्च एग्जाम के नाम से ये कंडक्ट करवाया जाता था। इसमें दूर दराज के क्षेत्र में बैठे हुए उन प्रतिभाओं को तलाश कर तराशा जाता था जिनमें एक्चुअल में इनबोर्न ही टैलेंट छुपा होता है। वो किसी गाइडलाइन के कारण एक्चुअल में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और उसी गाइडलाइन को प्रॉपरली पहुंचाने तक ये सीएलसी का एक प्लेटफॉर्म उन तक रेगुलरली पहुंचाया जा रहा है। अभी रिसेंटली इस एग्जाम को टेक्नो के नाम से कंडक्ट करवाया जा रहा है। 5 नवंबर को कंडक्ट होने वाला ये एग्जाम 7 स्टेट में कंडक्ट हो रहा है। मैं नाम बता दूं आपको, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, यूपी, एमपी, हरियाणा, इन 7 स्टेट में ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। और इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहेगा ये 2 आवर का रहेगा, और इसमें जो भी क्वेश्चन पैटर्न है, ये क्वेश्चन पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग ये पैटर्न रहेगा। और मैं आपको बता दूँ, ऑब्जेक्टिव पैटर्न का ये एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें क्लास 5th, 6th, 7th, 8th के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 9th, 10th, 11th, 12th के लिए फॉर ईच इनकरेक्ट रेस्पॉन्स 1 नेगेटिव मार्क डिडक्ट किया जाएगा। ओके, तो ये एक इन्फॉर्मेशन रहेगी आप तक। और इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि अभी जो बच्चा क्लास 5th, 6th, 7th से लेकर 12th में जो पढ़ रहा है उसी क्लास का ही सिलेबस आना है। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में एक बात आती है समर सर, कि अभी तो मेरा सिलेबस बचा हुआ है पूरे सेशन का, तो अभी तक आपका जो सिलेबस कवर हुआ है के हिसाब से अपने पूरा सिलेबस डिजाइन किया है कि हर स्कूल की स्कूल्स में इस टाइम तक कितना सिलेबस होगा कवर हो गया होगा। एग्जैक्टली, बच्चे की हर चीज को मद्देनजर रखते हुए ये पेपर डिजाइन किया गया है। सबसे बड़ी बात, सीएलसी की मजबूत टीम के द्वारा, जिसको एक लंबे अरसे का एक्सपीरियंस है कि एग्जाम एक्चुअल में किस तरीके का क्वेश्चन जो अप्रोच किया जाता है, उसी तरीके के ये क्वेश्चन पैटर्न आपके लिए भी, आपके बच्चे के लिए हमने तैयार किए हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट इन बच्चों को ये होगा कि आप अपना क्या स्थान है इन 7 स्टेट में, वो आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में एक कॉम्पिटेटिव अप्रोच भी डेवलप होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जमाने के साथ जो जो समय बदल रहा है, तो कंपटीशन की मुहिम भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। और बच्चे को प्रेशरलेस एनवायरमेंट में कैसे प्रिपरेशन करवाया जाए, तो नॉर्थ इंडिया में सीएलसी से बड़ा नाम, मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। जी सर, अभी कुछ पेरेंट्स जो अपने न्यू व्यूअर्स जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो सोचेंगे अपन की टेक्नो क्यों दिलाए अपने बच्चे को, बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है? जी जी सर, सबसे पहले तो इस एग्जाम का कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, इसे कंप्लीटली फ्री एग्जाम। गुड। उसके बाद में अपन जैसे 7 स्टेट में एग्जाम करा रहे हैं, तो 7 स्टेट्स को हमने लगभग 28 जोन्स में डिवाइड किया है, और हर जोन की अलग रैंक आएगी, और हर 7 स्टेट्स में मिलाकर आपकी कॉमन रैंक लिस्ट आएगी। ओके। तो जो आपकी जोनल रैंक लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम हर 28 जोन है उसमें से हर एक जगह आकर आपका सम्मान करेंगे, और ये सारे उस जोनल कैश रिवॉर्ड्स हैं। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है जोनल कैश रिवॉर्ड की, इसका एडमिशन से कोई लिंक नहीं है। क्या बात, क्योंकि हमारा मानना है कि हर बच्चे को मोटिवेट करने का तरीका होता है, हमने उस बच्चे के टैलेंट को कैसे तराशा जाए, उसको कैसे सम्मान दिया जाए, उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, इसलिए हमने एडमिशन प्रोसेस से हटकर एक जोनल अवार्ड अलग से निकाला है। तो 22,400 ये जोनल अवार्ड रहेंगे, इसमें 31 लाख का कैश प्राइज जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उसके आसपास के एरिया को ही कंबाइंड करके एक जोन हमने बनाया है, वहां आकर आपका सम्मान किया जाएगा इन जोनल अवार्ड के द्वारा। मेगा कैश रिवार्ड तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो आपके एडमिशन से रिलेटेड होंगे, लेकिन उसके अलावा भी अगर एडमिशन आप नहीं लेते हैं तो भी आपके लिए जोनल कैश प्राइजेज रहेंगे। जी सर, अब फिर पेरेंट्स का कि ये तो जोनल कैश रिवॉर्ड हो गए, अब ये मेगा कैश रिवॉर्ड क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन 1.21 सीआर के मेगा कैश रिवॉर्ड्स भी देने जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे को लगा कि नहीं मेरे को सीएलसी में जाके पढ़ना है, मेरे को सीकर जाके पढ़ना है, तो उस बच्चे के लिए मोटिवेशन की मैंने पैसा कमाया है, बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं मेरे को मैंने स्कॉलरशिप कमाई है, मैंने 10,000-20,000 का एक कैश रिवॉर्ड जीता है जो उसकी पहली कमाई है,
तो जो उसको सीकर में आके पढ़ने के लिए भी उसके लिए मोटिवेशन रहेगा। इसके बाद एक एजुकेशन ट्रिप भी है कि एग्जाम की मिनिमम टॉप 5 स्टूडेंट्स, जिनमें ज़्यादा नहीं मिनिमम 5 बच्चों को हम सिंगापुर, हांगकांग या दुबई में से एक जगह की एजुकेशनल ट्रिप कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड बाई CLC रहेगा। अभी भी अपने 3 बच्चे सिंगापुर जाकर आए हैं। इसकी कुछ झलकियाँ भी हैं इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। देखें, ये अभी लास्ट ईयर के टेक्नो के टॉपर्स रहे हैं, कोई 2 बच्चे किसी कारणवश नहीं जा पाए थे कॉलेज इनटेक होने के कारण। एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई और एक बच्चे का पासपोर्ट का इश्यू आया था। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बच्चे के भी 12th की एग्जाम है, तो उसको बाद में अपन देखेंगे। वर्ल्ड को डिस्कवर करने का, इंडिया से अब्रॉड अप्रोच करके आप नई चीजें कैसे डिस्कवर करें, वो भी एक इसका बेनिफिट रहेगा। कैश अवार्ड इसका बेनिफिट रहेगा, एडमिशन लेते हैं तो स्कॉलरशिप इसका बेनिफिट रहेगा, और सबसे बड़ी बात मेगा कैश प्राइज भी रहेंगे। जोनल कैश प्राइज है ही है, मेगा कैश प्राइज भी है। और जैसा कि समर सर ने बताया, रजिस्ट्रेशन चार्ज तो कुछ है ही नहीं, नुकसान कुछ है नहीं, और बच्चे को ये तराशने का मौका मिल जाएगा कि वो खुद कहाँ स्टैंड कर रहा है इन 7 स्टेट में। 7 स्टेट में जी सर। तो सर लास्ट में सभी पेरेंट्स जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जल्द से जल्द clctechno.com पे जाएं हमारी वेबसाइट पर, और अपने बच्चे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एनरोल। तो आप लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करें, हमारा लास्ट में आपसे यही आग्रह रहेगा कि 5 दिन शेष बचे हैं। आज ये वीडियो हमने शूट किया है 26th अक्टूबर को, 30th अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, day 5, day 4, day 3, day 2, day 1, और 30th अक्टूबर को ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, और 1 नवंबर से आपके एडमिट कार्ड रिलीज पोर्टल पे आ जाएंगे। जिस वेबसाइट पे जाके आप अपने रजिस्टर करेंगे तो आपके पोर्टल बन जाएगा, उस पे आपका एडमिट कार्ड आपको उस पे डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जाम देने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है, आपके घर के पास ही आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा। और एट द लास्ट फिर से रिमाइंड करवा दें आपको, 30 अक्टूबर और 5 नवंबर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 अक्टूबर है, एग्जाम डेट 5 नवंबर रहेगा। टाइमिंग्स आपके सामने आ ही चुके हैं, 1 नवंबर से आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। जय CLC।